हमारा मन बहलाने के लिए जब हमारे गाने की रिकॉर्डिंग शेष हो गई दो बजे रात को, तो इन्होंने बताया कि एक और गाना है, क्लिंटन ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप उसे सुने। इसे सुनाने के दो मकसद थे, एक तो ये कि आप सुनिए कि कैसा गाना है, दूसरा कि एक्चुअली गाना कैसे गाया जाता है, अब सुनिए आप। और वो गाना हमारे प्रिय दोस्त और हमारे निकट संबंधी मैं कहूँगा विशाल ने गाया है। और जैसे ही हमने उसे सुना, मैंने कहा यार ये गाना, सिर्फ यही गाना होना चाहिए फिल्म में। और बहुत ही सुंदर आपने उसको कंपोज़ किया है और अति सुंदर तरीके से विशाल ने उसे गाया है। बहुत ही सक्षम कलाकार हैं या इनके स्टूडियो में भी मैंने बैठ करके, एक और पागल इंसान है जो यहाँ है नहीं अभी, इसका नाम है सुजय घोष, उसने भी एक गाना गवा दिया था मुझे, वो विशाल के साथ और शिखर के साथ हमने गाया था। लेकिन सही मानों में मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना है। वो हमारे प्रिय मित्र हैं और उनके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने उनके साथ। मैं एक ज़माने में सोचता था कि सबसे ज़्यादा फिल्में मैंने ऋषि दा के साथ की हैं, ऋषिकेश मुखर्जी, लेकिन एक दिन मैं जोड़ने बैठा तो मैंने देखा कि वो रामगोपाल वर्मा है जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा फिल्म की। और हमारी उनके साथ चर्चा चल रही है सरकार तीन के बारे में, यहाँ भी तीन आ गया, सरकार तीन के बारे में। और हम लोग कहानी पे बैठ रहे हैं अभी और हो सकता है कि बहुत जल्द वो इसको शुरू करें।